वेलकम बैक एवरीवन टू हेमलैंड्स। तो सीजन 4 के एंड के बाद मैं और नूबड़ा जी गाइस फंस गए थे हेमलैंड्स के थर्ड डायमेंशन के अंदर, जहां पर मौसम तो बहुत ज्यादा खराब था ही था, यहां के लोग भी बहुत ज्यादा खराब थे और हम लोग पूरे तरीके से इस वर्ल्ड के अंदर स्टक हो गए थे। बुरे तरीके से हम लोग यहां पर फंसे हुए थे और किसी भी हालत में मुझे और नूबड़ा जी को इस डायमेंशन को छोड़कर अपने मेन हेमलैंड के डायमेंशन में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मेरे दोस्त एसजी और ड्रीम वहां पर बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। बट यहां से बाहर निकलना मेरे और नूबड़ा जी के लिए इम्पॉसिबल था, बिकॉज थर्ड डायमेंशन से हमारे मेन हेमलैंड के डायमेंशन का जो पोर्टल है वो एक्टिवेट कैसे करना है हमें नहीं पता था। इनफैक्ट हम लोगों को तो पोर्टल की लोकेशन ही नहीं पता थी, इसीलिए गाइस मैंने मदद मांगी इस थर्ड डायमेंशन के स्मार्टी पाई से। एंड उसने मुझे बोला गाइस कि अगर मैं इस थर्ड डायमेंशन का जो मेन किंगडम है उसका राज मैं उस स्मार्टी पाई के हाथ में दे दूंगा तो वो मेरी मदद कर सकता। तो लास्ट एपिसोड में गाइस हम लोगों ने बहुत सारे फेक स्मार्टी पाई, बहुत सारे फेक लोगों से फाइट्स वगैरह करी, सबको हम लोगों ने पेला एंड फाइनली इस थर्ड डायमेंशन का स्मार्टी पाई को हम लोगों ने पावर में लाया। एंड अब उसने मुझे वादा किया है कि वो मुझे यहां से बाहर निकलवाएगा। तो आज मेरा मेन मकसद होने वाला है इस थर्ड डायमेंशन से वापस से अपने दोस्तों के पास जाना। सो इफ यू गाइस आर एक्साइटेड लीव अ लाइक इस वीडियो को, लाइक मैं पूरे के पूरे 350,000 लाइक्स। एंड गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। तो नूबड़ा जी यार मेरे को इस वर्ल्ड के स्मार्टी पाई के ऊपर पूरा विश्वास है, वो हमारी मदद तो करेगा, लेकिन भाई साहब एक हफ्ता हो चुका गाइस, वो बंदा अभी तक यहाँ पे हम लोगों को मिलने आया नहीं है। उसने मुझे बोला था कि मेन किंगडम के पास वाला जो लाइट हाउस है, तुम लोगों को बताया हमारा सेफ हाउस है हमारे मेन हेमलैंड के अंदर भी, तो उसने हमें बोला था कि हम लोग यहाँ पर सेफ रह सकते हैं और 2 दिन के अंदर अंदर वो यहाँ पर आएगा हमारी मदद करने के लिए, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। नूबड़ा जी आप चुपचाप से इधर ही रहना, ठीक है ना, हिलने की जरूरत नहीं है, अरे पर जाने की जरूरत नहीं और किसी भी हालत में इस लाइट हाउस के अंदर से बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कितना क्यूट है भाई ये, इसका दांत देखो गाइस बहुत ज्यादा क्यूट लगता है यार, क्या छोड़ो। हाँ शाबाश, वैसे तू ना उस कबूतर सुन के पीछे ही रहियो, कोई अगर आया भी फुटस्टेप्स मत दियो किसी भी हालत में, ठीक है। मैं जा रहा हूँ एक बार गाइस, बिकॉज मुझे पता करना है कि यहाँ का स्मूटी पाया अभी तक आया क्यों नहीं भाई हमारी मदद करने के लिए। 2 दिन बोलकर एक हफ्ता क्यों ले लिया उस बंदे ने यार। एक पहले यहाँ पर इतनी इमरजेंसी हो रखी है मेरे को कि मुझे जल्दी जाना है, मेरे दोस्तों की हेल्प करनी है, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त, और ऊपर से इस बंदे ने यहाँ पर ना 5 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं टॉप में जाने वाला और मैं ऊपर नजर मारने वाला उस मेन कासल के ऊपर एक बारी। ऑल राइट गाइस, मैं यहाँ पे टॉप में पहुंच चुका हूँ, यहाँ से ना मैं एक बारी नजर मारने वाला सामने से। वेट अ सेकंड, ये कौन है सामने? भाई साहब गाइस ये यहाँ का विजर्ड है। ओ मैं समझ गया हूँ गाइस, मैं समझ चुका हूँ। पता है क्या, लास्ट टाइम मैंने ना यहाँ के स्मार्टी पाई को बोली थी एक बात कि जब तू यहाँ का राजा बन जाएगा सबसे पहले इस विजर्ड को ठिकाने पे लगाइयो, बिकॉज ये जो यहाँ का विजर्ड है तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये जो यहाँ का जो फेक विजर्ड वो एक्चुअली में कौन है, वो है परपी, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला था कि यहाँ के विजर्ड को सबसे पहले ठिकाने पे लगाई, एंड आई गेस वो पिछले एक हफ्ते से लेकर यहाँ के विजर्ड को ठिकाने पे लगा रहा था। भाई साहब पकड़ा गया ये बंदा यहाँ पर अभी, और ये सारे के सारे गार्ड्स तुम लोग साइड में देख सकते हो ना गाइस, ये पहले फेक स्मार्टी के लिए काम कर रहे थे इस वर्ल्ड के, और अब ये फाइनली हमारे इस वर्ल्ड के मेन स्मार्टी पाई के लिए काम कर रहे हैं। तो आई एम सो मच हैप्पी बिकॉज इस वर्ल्ड का जो ये विजर्ड है, क्योंकि तुम लोगों को पता है हमारा जो विजर्ड था उस बेवकूफ ने तो भाई हम लोगों को इतना ज्यादा तंग किया उस फेक विजर्ड ने, बट यहाँ का विजर्ड एटलीस्ट मेरे दोस्तों को यू नो तंग नहीं करेगा यहाँ पे पूरे तरीके से। एंड गाइस मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ के स्मार्टी बॉय और एसजी और ड्रीम बॉय के लिए यार, कि अभी उनको यहाँ पे तंग नहीं करने वाला है। एंड भाई मुझे पर एक चीज समझ नहीं आई कि इसको यहाँ पर बीच रास्ते में खड़ा करके क्या करा स्मार्टी पाए, इसको या तो जेल में लेके जाओ। आई गेस समझ गया हूँ मैं गाइस, तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा हमारे किंगडम्स के अंदर अगर हम लोगों को किसी को मारना है, किसी को लाइक लीगली पेलना है, लाइक ऐसे होता है ना जो कि फांसी फूसी पे उड़ा देते हैं, अगर वो चीज यहाँ पर करनी है ना किसी के साथ, तो एक अंदर बैठक बैठती है एंड देन वर्डिक्ट पास होता है, उसके बाद जाके उड़ाया जाता है, ऐसे नहीं कि रैंडमली उड़ा देंगे। तो आई गेस वो अंदर वो थोड़ा बहुत यहाँ पर काम कर रहा है। पर भाई एक बात होता है तुम लोग गाइस, ये विजर्ड ना बहुत ज्यादा चलाक है, तुम लोगों को पता है हमारे वर्ल्ड का विजर्ड भी कितना ज्यादा चलाक था, इनको ने पेल के यहाँ पे इजिली भाग सकता है, बट भाग क्यों नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा हैरान। ओ नीचे सिक्योरिटी गार्ड वाले बंदे खड़े किए, दैट्स व्हाई भाग नहीं रहा है भाई, अपना स्मार्टी पाया भाई, तो थोड़ा बिग ब्रेन काम तो करेगा ना यार। पर यार गाइस बात ये है कि भाई इसने ना बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया यार, मुझे ना अपने घर वापस जाना है मेरे दोस्त की। ओ व्हाट, ओ तेरी व्हाट, अरे भाई बोलते ही भाग गया बंदा, आर यू सीरियस डूड, अरे भाई स्मार्टी भाई आ गया, रुको रुको मेरे को इसको रोकना पड़ेगा, स्मूटी रुक जा, स्मूटी भाई रुक जा, रुको मैंने इसके पास नहीं जाऊंगा, सिक्योरिटी गार्ड वाले कहीं मुझे ही ना पेल दे, स्मूटी भाई रुक जा, स्मूटी अरे भाई नहीं बंदा रुक जा, स्मार्टी पीछे देख, अरे पीछे देख, आई यार भाई, अरे तू
भाई तूने मेरी मदद करनी थी, तू भूल गया क्या? तू यहाँ पे रुक जा, अभी अभी रुक जा, मुझे बता दे, बहुत इमरजेंसी है, मेरी मदद तो कर दे भाई तू, उसके बाद उसको पकड़ने चला जाइए, भाग जाएगा तू, चार दिन और लगा देगा भाई, जल्दी मुझे बता कहाँ जाना है, क्या करना है। ऑल राइट, तो मैंने आगे स्मूटी पाई से बात कर दी है और ये बंदा भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी में है। इसने मेरे को बोला भाई साहब तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, जल्दी कर, तू क्या जानना चाहता है? तो मैंने उसको बोला भाई मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे भाई कि तूने जो मुझसे वादा किया था वो बंदा कहाँ है, वो इंटेलिजेंट लाइब्रेरियन या फिर वो इंटेलिजेंट बंदा जो मुझे बता सकता है कि दो डायमेंशन के बीच में हम लोग ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। तो इसने मेरे को बोला कि भाई डे वन पर इसने वो बंदा बुला दिया था और उसने उस लाइब्रेरियन को बोल दिया था कि भाई तू एक काम करियो कि वो ऐसे ऐसे डायमेंशन के बीच ट्रेवल कैसे कर सकते हैं, वो बुक पढ़ के आई हो, और बहुत सारा ओल्ड बुक है गाइस। और उस बंदे ने आई कैस दो या तीन दिन लगाए थे, तो डे थ्री आते आते पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुंच गई थी, लेकिन गाइस ये मेरी मदद कर नहीं पाया क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो जो विजर्ड था ना यहाँ का फेक विजर्ड, वो एक्चुअली वापस आ गया था जहां भी हो गया था वहां से, ठीक है ना, तो उसको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। दैट्स व्हाई यहाँ के स्मार्टी पाई ने पूरा एक हफ्ता लगा दिया। तो इसने मेरे को बोला है कि यहाँ पास में घर है, कौन सा वाला घर था भाई, उसने मुझे दिखाया था भी इशारा करके, मुझे उस घर के अंदर जाना है, वहां पर वो लाइब्रेरियन हमारा वेट कर रहा है यार, कहां पर, हाँ वो ऊपर वाला घर, चलो 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 भाई। एंड बाय द वे ऊपर वाले घर पे उसको जानबूझकर रखा गया था भाई लाइब्रेरियन को, क्योंकि उसको सेफ रखना भी जरूरी है। ये वाला वर्ल्ड भी गाइस हमारे मेन हेमलैंड्स की तरह ही है, खतरनाक एकदम। ऑलराइट, कितने सारे ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे वेस्ट हो रहे ऊपर आने के लिए, अगर ये बंदा यहाँ से अंदर नहीं हुआ ना भाई बहुत ज्यादा फेट। हाँ अंदर ही है। ओ भाई ये बंदा भाई लाइब्रेरियन के एक्टर है भाई, टॉम क्रूज वाले चश्मे पहन कर आया भाई, जैसे बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ रहा था बंदा। ओ भाई हेलो, तू लाइब्रेरियन नहीं है ना यहाँ पे कि कोई और है? सच बोलियो, क्यों भैरुक पे तो नहीं है तू यहाँ पर फिर से बन के आ गया? जो भाई दरवाजा करो बंद यहाँ पे। एंड भाई जी से गाइस मैं थोड़ी सी बातचीत करके आता हूँ, देखो मेरे को ना इस बंदे पे थोड़ा सा शक तो हो रहा है भाई, हनी निकाल रहा भाई ये बंदा। ओ तेरी भाई खाना खा रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं से बात करके आता हूँ एक बारी, थोड़ा सा मेरे को शक तो है इस बंदे के ऊपर, बट मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि असली बंदा है कि नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने इससे यहाँ पर बात कर दी है। भाई साहब ये बंदा तो ऑफेंड ही हो गया यार, ये मुझसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है गाइस। भाई मैंने इसको ना गलती से मतलब जोकर बोल दिया, क्या बोल दिया, और ये बंदा ऑफेंड ही हो गया ब्रो उस चीज के लिए। और अब ये बंदा बोल रहा है कि मैं तेरी मदद करूंगा ही नहीं, तू उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है। भाई मेरी बात सुन ले, अबे तू उसको पीना बंद करेगा तू, देख मैं तो एक बात सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ, जो यहाँ का राजा है ना इस वर्ल्ड का राजा स्मूटी पाए, ठीक है भाई, उसने तुझे आदेश दिया है मेरी मदद कर, तू रुक जा एक बार रुक जा, ये देख यहाँ पे अपने हेलमेट उतारता हूँ, तू मेरी शक्ल देख, मैं तेरे स्मूटी पाए के दूसरे डायमेंशन का बंदा हूँ जिसको अपने डायमेंशन वापस जाना है, तुझे कंसेप्ट तो पता ही है पूरा का पूरा, तू सबसे इंटेलिजेंट बंदा है यहाँ का, है कि नहीं, तू ही मेरी मदद करने वाला डायमेंशन टू डायमेंशन ट्रैवल करने के लिए। तो भाई मैंने तेरे को गलती से बोल दिया भाई, जोकर बोल दिया, सॉरी यार, तू मुझे उल्टा जोकर बोल दे यार, तू यहाँ पे मतलब भाई मेरे को यहाँ पे घर जा वापस जाने से रोक रहा है यार भाई, सॉरी यार भाई, मतलब थोड़ा सा माफ कर ले यार। ऑलराइट गाइस, तो इससे मैंने बात कर दी, अब ये मुझे पता क्या बोल रहा है ना कि देख भाई ऐसा है कि तूने मुझे जोकर बोला, थोड़ा मैंने ऑफेंड तो मैं हो चुका, दिल पे ले ली मैंने वो चीज, तो अब मुझे इस बंदे का काम भी करना पड़ेगा, ये मुझे बताएगा तो बताएगा कि किस तरीके से हम लोग पोर्टल टू पोर्टल डायमेंशन ट्रैवल कर सकते हैं, बट ये मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे इसका काम भी यहाँ पर करना पड़ेगा। भाई मैं क्यों करूँ तेरा काम यार, तू खुद ही कर ले अपना काम, है इधर आलसी बंदा मुझसे करवा रहा, भाई मेरे पर टाइम की कमी है, मुझे अबे मना कर रहा है भाई बंदा, मुझे घर वापस जाना है भाई, मेरे दोस्त फंसे हुए हैं, होगा लाल आजाद होने वाला है, तू समझ नहीं रहा है भाई, यहाँ पे बहुत अर्जेंसी है यार। यार भाई तू मानने वाला नहीं गाइस, ये बंदा ऐसे मान तब से लेकर नाना करते जा रहे हैं। चल ठीक है भाई, मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूँ ब्रो, ठीक है ना, जो भी तुझे चाहिए मुझे अपने डिमांड बता, एंड मुझे तू बता कि मैं पोर्टल टू डायमेंशन टू डायमेंशन कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे अपने घर वापस जाना भाई, तेरा काम भी मैं कर दूंगा, तू खुश रहे। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर इस इंटेलिजेंट वाले लाइब्रेरियन से बात कर दी ब्रो, थैंक यू सो मच यार, जैसे मुझे ना पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दिया है कि मतलब किस तरीके से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम लोगों को, एक्चुअली में कितना स्लो चला हुआ है भाई, छोड़ो भाई मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को ना यहाँ पर ये रास्ते में वाला कंसेप्ट समझाता हूँ, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बेसिकली गाइस इसने मुझे बोला है कि पोर्टल टू पोर्टल डायमेंशन करने की जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमारे हिमलैंड्स के अंदर बहुत सालों से, लाइक एंशियंट टाइम की बात कर रहा है, लाइक 1000 2000 3000 बहुत सालों से है, ठीक है ना, बट यहाँ पर क्या हो गया गाइस, उस चीज के लिए हमें किसी एक फ्रूट की जरूरत पड़ने वाली है। इसने मुझे बोला एक स्पेशल टाइप का कोरस फ्रूट मिलता है, ठीक है ना गाइस, जो कहते हैं चमकते, जिस तरीके से मेरे हाथ में तलवार चमक रही है ना उसी तरीके से वो जो कोरस फ्रूट है गाइस वो भी चमकता है, एंड जब हम लोग उसको खाते हैं तो हम लोग डायमेंशन टू डायमेंशन एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ से अपने दोस्त एसजो से डायरेक्ट बात कर पाऊंगा, थोड़ा सिग्नल ऊपर नीचे होता रहता है उसका, थोड़ी आवाज कट कुट सकती है, बट मैं डायरेक्ट एसजो से बात कर सकता हूँ। एंड गाइस जो मेन बात है वो ये है कि जब मैं यहाँ से, जो कि हमारा थर्ड डायमेंशन है हिमलैंड का, यहाँ से जब मैं अपने मेन हिमलैंड के अंदर जो एसजो बैठा हुआ है उससे जब मैं बात करूंगा तो एसजो को वहां बैठे बैठे मेरी मदद करनी पड़ेगी, एंड देन उसको पोर्टल एक्टिवेट करना पड़ेगा उस वर्ल्ड में,
एंड देन मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर कोई स्पेस रॉकेट नहीं है कि उसमें बैठ कर डायरेक्ट अपने वर्ल्ड में वापस चले गए। हम लोगों को ऐसे हुआ कि मदद लेनी पड़ेगी, बट अब मैं यहाँ पर कंफ्यूज पता क्यों रहा गाइस, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पर उस जेल के अंदर फंसे हुए थे। आई डोंट नो कि वो दोनों उस जेल से बाहर निकले कि नहीं निकले। वैसे जितना मेरे को बताओ निकल गए होंगे वो लोग, बड़े तेज है इस चीज में, बट अगर नहीं निकले होंगे ना भाई साहब तो वो लोग मेरी मदद करेंगे कैसे? आई डोंट नो मैन। एक काम करते वापस चलते नुबड़ा जी के पास और इसको लेकर चलते गए अपने साथ उस जगह पे जहाँ पर हमको कोरस फ्रूट मिलने वाला है। उसकी भी एक अलग ही यहाँ पे चोचले चल रहे भाई। अभी मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा खेल समझाता हूँ। और इसने कहा मुझे ना वो कोऑर्डिनेट के सिस्टम भी बता दिया। तुम लोगों को बताया ना, मैंने तुम लोगों को बताया था कुछ टाइम पहले, कहाँ है भाई अपना नुबड़ा जी? अरे नुबड़ू यार तू अभी तक छुपा हुआ है, हेलो वापस आ गया मैं। चलो अब मेरे को तेरे को यहाँ से ना निकलना पड़ेगा फटाफट, टाइम बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। तो वैसे तुम लोगों को याद होगा कि इस थर्ड डायमेंशन का जो हमारा एक किंगडम है ना, इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअली में हमारे मेन हेमलैंड्स की जो वॉल्स है ना, जहाँ फलाना जी ने अनब्रेकेबल वॉल्स बनाई थी, वो वाले कोऑर्डिनेट के साथ मैच करते हैं। तो बेसिकली इसने हमें बताया कि जिस तरीके से हेमलैंड्स एंड डार्क हेमलैंड्स के अंदर सेम कोऑर्डिनेट में अगर कोई चीज होती है, सपोज करो कि हमारे डार्क हेमलैंड के अंदर वो वॉल्केनो आया था, तो हमारे मेन हेमलैंड्स के अंदर भी वो सेम कोऑर्डिनेट पे वो वॉल्केनो अपीयर हुआ था। बट इस वर्ल्ड के अंदर गाइस वो जो सेम कोऑर्डिनेट्स का कांसेप्ट है ना, वो एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज है। और उसने मुझे बताया कि हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है कि इस वर्ल्ड का कोऑर्डिनेट हमारे कौन से वाले मेन हेमलैंड के कोऑर्डिनेट के साथ मैच करता है, तो उसके लिए हम लोगों को सिंपल कैलकुलेशन करनी है, यहाँ के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो गाइस ये बेसिक कैलकुलेशन है। एंड गाइस मैंने अपने ना हिमलैंड के मेन हिमलैंड के कोऑर्डिनेट को एक्चुअली में गाइस इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर डाल कर, जो एक्स मैंने तुम लोगों को दिखाया ना स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैंने अपने मेन हिमलैंड के कोऑर्डिनेट को डाला और जब कैलकुलेट किया तो एक्जैक्टली गाइस इस थर्ड डायमेंशन के किंगडम के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। दिस मींस ये कैलकुलेशन गाइस हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द वे, बिकॉज इसी कैलकुलेशन के दम पर गाइस आज मुझे ना SDO को बुलाना पड़ेगा अपने साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेट के ऊपर। बट उससे पहले गाइस हम लोगों को कोरस फ्रूट को लेकर आना पड़ेगा। एंड गाइस ये जो कोरस फ्रूट है ना, इसके अलग ही चोचले भाई यहाँ पे चले हुए, बिकॉज सीन यहाँ पर गाइस ये हो रखा है कि जो इस वर्ल्ड के आखिरी का 2 या 3 स्टैक कोरस फ्रूट्स के थे ना, वो चोरी हो चुके थे। एंड गाइस मुझे इस अजीब से दिखने वाले बदसूरत लाइब्रेरियन ने पता क्या बताया ना कि गाइस उसको चोरी किया एक बहुत ही अजीब से बंदे ने, जो कि एक बहुत ही यू नो एक डेजर्ट में रहता बाय द वे। एंड वो बंदा इस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, बिकॉज उस बंदे के पास गाइस एक बहुत ही ओल्ड यू नो बुक है, लाइक बेसिकली तुम लोग बोल सकते हो एंशिएंट बुक ऑफ ओल्ड स्पेल्स। और वो बुक किसकी है? इसी बदसूरत लाइब्रेरियन की, ये चश्मिश लाइब्रेरियन बाय द वे। इस बंदे की बुक उसके पास है और वही ओल्ड स्पेल्स की जो बुक है ना, वो मुझे लेकर वापस आनी पड़ेगी इसके पास, वो है इसका टास्क। और उस बंदे को मारकर उसकी इन्वेंटरी से ड्रॉप हो जाएंगे वो सारे के सारे कोरस फ्रूट्स। आई डोंट नो उसने कितने खाली होंगे अभी तक, बट इसने मुझे बताया कि आई गेस 2 stacks और 10 कोरस फ्रूट्स थे वो टोटल, तो ओवरऑल 138 कोरस फ्रूट्स। अब आई डोंट नो कि ओवरऑल उसने कितने खाली होंगे अभी तक कम्युनिकेट करने के लिए बाहर की दुनिया वाले लोगों से। एंड बाय द वे उसने मुझे एक और बात बताई कि अगर उस बंदे ने ओल्ड बुक जो है ना, वो स्पेल्स वाली जो बुक है, अगर उसका इस्तेमाल कर लिया होगा तो वो अभी के लिए इतना ज्यादा डेंजर बन गया होगा कि उस बंदे को छूना भी इम्पॉसिबल है। उस बुक के अंदर इतने खतरनाक स्पेल्स है जिसकी वजह से बंदा हवा में उड़ सकता है, सामने वाले बंदों को लाइक ऐसे वशीकरण करके हवा में उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर उसने भाई वो सारी चीजों का इस्तेमाल कर लिया होगा ना, तो भाई साहब हमारी आज बैंड बजने वाले, किसी भी तरीके से हम लोगों को सेफ रहना पड़ेगा। एंड नुबड़ा जी को लेकर मुझे आना नहीं चाहिए था एक्चुअली गाइस। इस बंदे के अंदर ना 5% पावर बची है सारे के सारे, तुम लोगों को याद होगा। इसको अगर उसने पेला ना भाई नुबड़ा जी, आप मुझसे फाइट बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है ना? मना ही करना है आपको, और आपको छुपा के मैं रखूंगा साइड में एकदम खोपचे में, ठीक है ना भाई? तो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं उस बंदे के पास। एंड बाय द वे हाँ मुझे याद आया अभी, तो चश्मिश लाइब्रेरी ने मुझे एक और बताया उसके बारे में कि 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे कोरस फ्रूट चोरी कर सकते हैं, या तो उसकी इन्वेंट्री पे होंगे, या तो उसने अपने उस एक बहुत ही बड़ा ऐसा डेजर्ट पिरामिड है उस बंदे ने बनाया, वो अपने लिए महल टाइप बोलता है वो उसको अपना खुद का। तो अगर उसने वो कोरस फ्रूट अपने उस महल के अंदर रखे होंगे, तो चुपचाप से सुमड़ी में हम लोग उसको चोरी कर निकाल भी सकते हैं। तो बाय द वे वो हमारा ज्यादा सेफ ऑप्शन होगा उससे फाइट करने के बजाय। खैर देखते गाइस जो भी होगा, ऑन द स्पॉट चलेगा भाई पता। मैं तो फाइट करने के लिए एकदम तैयार हूँ भाई, मुझे चाहिए ताकत उसके लिए, और ताकत मिलते गाइस लाइक बटन से। तो अगर तुम लोग लाइक करोगे तो पूरे तरीके से आज मैं उस बंदे की फाड़ देने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग लाइक करो इस वीडियो पे और स्टोरी के बगैर उससे फाइट करके उसकी इन्वेंट्री साथ छुड़ा के दिखाता हूँ तुम लोगों को। चलो ऑल राइट गाइस, तो भाई एडवेंचर पे निकले हम लोगों को बहुत ज्यादा देर हो गया, यहाँ पर इतना बड़ा समुंदर आ गया। एंड गाइस मुंह के सामने आ चुका है बहुत ही बड़ा डेजर्ट। एंड हम लोगों को पता चला था जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो जो बंदा जिसने चोरी किया था
वो यहाँ से आगे रहता और हम लोगों ने कहा यहाँ पे शील्डे छुल्डे बना दिए। नूबड़ा जी तो यहाँ पे डबल शील्ड लेकर आया भाई साहब, इसने तो बोल दिया है कि मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला भाई मरने मरने का। बट तेरे को मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले भाई साहब आप मुझसे मेरे साथ लड़ने नहीं आओगे ठीक है ना, ये डबल डबल शील्ड बना के फायदा नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर दूर यहाँ पे कहीं पे ना छुपा देने वाला हूँ। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओह सामने देख, सामने देख, ओके ठीक है, मेरे वास्ते मेरे वास्ते। इधर इधर यहाँ पर एक अपने लिए सैंड का वो बना दे छोटा सा ठीक है ना, और यहीं पर छुपा रही हो ठीक है ब्रो। किसी भी हालत में नूडो जी आप मेरे साथ फाइट करने नहीं आओगे ठीक है ना ब्रो, आपको जिंदा रहना भाई बस। और मैं यहाँ से आगे ना नूडे अकेले जाने वाला हूँ, प्लीज किसी भी हालत में तू कोई गड़बड़ ना करियो बस ठीक है, बाहर मत निकलियो। मैंने बस ऐसे काम कर दिया अपने लिए, थोड़े बहुत ब्लॉक्स नीचे निकाले हुए हैं ताकि टावर अप वगैरह मैं कर पाऊँ अच्छे तरीके से। एंड नाउ लेट्स गो, ओके ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, अब तुम लोगों ने लाइक तो कर ही दिया तो मुझे फाइट तो इस बंदे से करनी ही पड़ेगी, बट पहले ना मेरे को इस पिरामिड की एंट्रेंस ढूंढनी पड़ेगी। ब्रो कितना ज्यादा विशाल है ये, आ भाई मैं डर गया, इस बेवकूफ से कैक्टस पिछवाड़े में जुबान में डर ही गया। आई गेस इस साइड के लिए एंट्रेंस हो सकती है इसकी, पूरा पूरा घूम के जाने वाला हूँ। यस वो देखो मुंह के सामने वो है यहाँ पर एंट्रेंस, और भाई इस बंदे ने इतना बड़ा पिरामिड यहाँ पर खुद के लिए बनाया हुआ है। बाय द वे मुझे उसने चश्मेश वाले लाइब्रेरी ने एक और बात बोली थी कि ये बंदा खुद को अब यहाँ पे डेजर्ट का राजा घोषित कर चुका है, इतना ज्यादा खतरनाक बन गया, इसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया। बाय द वे तो गाइस आज मुझे किसी भी तरीके से इस बंदे का घमंड तोड़ना पड़ेगा ठीक है ना मैन। ओ भाई साहब मेरे को एक्चुअली में डर लग रहा भी यार, बट कोई बात नहीं भाई, डर के आगे जीत है गाइस। और एक काम करते हैं मैं अंदर करो, ये बंदा अंदर होगा गाइस अभी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं। थोड़ा सा साइड होकर चलते हैं और एक बार मुझे देख रहे तो इसने कोई सिक्योरिटी वाले बंदे तो नहीं रखे हैं, बिकॉज मुझे उसने बोला था कि ये बंदा वन सिंगल हैंडेडली काम करता है अपने उस बसुआ लाइब्रेरियन ने, और उसने बोला था कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि इसको कोई और गार्ड्स की जरूरत ही नहीं, इसको ये फील होता है। भाई कोई गार्ड नहीं, लिटरली बोल रहा हूं मैं भाई, इतनी रेगिस्तान जैसी जगह पे इस बंदे ने अपने लिए क्या ही आलीशान महल बनाया भाई, असली जिंदगी तो ये बंदा जी रहा है यहाँ पे। वो क्या है, ये क्या चीज है, सैंडस्टॉर्म, व्हाट, रुक, अरे भाई वो चीज क्या थी, वेट क्या है ये चीज, ओ ये बंदा रेंडर नहीं हो रहा था मेरे पास, ये वही है, ये हवा में कैसे उड़ रहा है, व्हाट ब्रो, इस बंदे ने वो मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर दिया है, ये बंदा हवा में उड़ रहा है भाई ब्लॉक्स के दम पे, व्हाट द हैक इज दिस। ओके आगे की साइड चला गए, मुझे देखा नहीं भाई साहब, ब्रो ये बंदा तो हवा में उड़ रहा है भाई, हाथ में अजीब सी छड़ी लेकर, मैं एक काम करता हूँ, ओके देख लिया इसने मेरे को, अरे भाई मेरे, मैं आई डोंट नो कि गाइस कि अगर इसने कोई ऐसा तगड़ा सा पीवीपी वाला लाइक वो मारा होगा ना अपने कोई स्पेल वगैरह, तो फिर मुझे पेल सकता हूँ, मैं एक बार इसे ट्राई करता एक बार। ओ शिट ओ माय गॉड, चल ऊपर चल, अरे ऊपर ओके आई डोंट नो कि ये बंदे को डैमेज कैसे पड़ेगा, पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ओके रुको, हाँ ये पेड़ बचा रहा थोड़ा सा मेरे को, ओके आजा मेरे पास शील्ड है मेरे बेटे, शील्ड है मेरे पास, ओके आई एम डेड, भागो, ओके भागो, मेरे को थोड़ा सा खाना खाना पड़ेगा भाई, ये बंदा हवा में उड़ के आ रहा है, दिस इज रॉन्ग ब्रो, ओके मैं थोड़ा सा पानी को जा रहा हूं, मेरे को कैसे यहां पे खाना खाने की जरूरत है, आप पानी का भी सैंड लेकर आ बेटे, लेकर आ तू सैंड पानी के भी, तेरे को बताता हूँ फिर मैं, आ जाना, ओके छलांग मार दिया इसने, मुझे आवाज सुनाई दिए पानी के बीच, आ रहा है, आजा, वेट, वो, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ओके वेट अ सेकंड, ये बंदा चालू है गाइस, ये बंदा मुझे भी कंट्रोल कर सकता है यहाँ पे हवा में उड़ाने के लिए, ओके ये बंदा ना बहुत ज्यादा चालू, मैं हवा में उड़ने लगा फिर से हवा में उड़ रहा, देखो गाइस ये क्या सीन है भाई, वेट इस बंदे के हाथ में वॉन्ड है, ओके ये बंदा यहाँ पे मुझे जान बुझ के हवा में उड़ा रहा है, इसका वैसे मैं इसका एडवांटेज उठा सकता हूँ, ओके ओ आई गॉट इट, ये बंदा गाइस मुझे यहाँ पे ना फॉल डैमेज के साथ मारने की कोशिश कर रहा है, बेटे एमएलजी गॉड है तेरा भाई यहाँ पे आजा, ओ नो भाई ये बहुत चालू है, कैसे बहुत चालू, ये मुझे हवा में उड़ा के ना पता क्या कर रहा है, मेरी स्पीड यहाँ पे स्लो करने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्या होगा कि ये मुझे आसानी के साथ मार सके, आजा गायब हो गया, अब मुझे तलवार दिख रहे भाई तेरी तो थोड़ा तेज है, बट उतना तेज नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को पानी डालना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा खाना खाना पड़ेगा, अरे हवा में उड़ा रहा है बंदा मेरे को फिर से, ब्रो आई डोंट हैव वाटर, मैं पानी के बीच जाना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा पानी के बीच, नो ये बहुत तेज बंदा है, पानी उठा दे, थैंक गॉड गाइस ये बंदा ना इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, ब्रो ये मेरे को यहाँ पे ना अपने फॉल डैमेज से मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे इससे थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी, कहाँ गया, आजा 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 आजा
आजा मेरे बेटे। ओ माय गॉड, इसके पास बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है। इसके पास जो मैं दंग है भाई साहब, मैं मरने वाला हूँ। मैं नीचे कर क्या? नो वेस्ट डूड, पानी उठा पानी उठा पानी। इससे मेरे को ऊपर गिरा रहा है भाई, ढाई हार्ट में यहाँ पे। ब्रो पानी हाथ पे लेके रख, ये मेरे को यहाँ पे बचाने वाला है। ओ माई गॉड, बहुत ज्यादा तेज है भाई बंदा। ओके मैं जा रहा हूँ यहाँ से टॉप में ऊपर। ये बंदा कहाँ है? ओ भाई ये बंदा उड़ के आ रहा है, ये क्या चीज है भाई? अरे रुक जा मेरा भाई, रुक जा। मेरे को कैसे यहाँ पे ना चोरी ही करनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट मैन। ओ व्हाट, इसने यहाँ पे कुत्ते स्पॉन कर दिए बहुत सारे। ओ माय गॉड ब्रो, मैं कुत्तों से नहीं लड़ने वाला। ओ ओ भाई आगे लेके। ओ मेरे को दे वापस दे वापस दे वापस दे पानी, वापस दे पानी। गाइस किसी भी तरीके से मेरे हाथ पे होना चाहिए। कुत्ते लेकर आ गए भाई, ये रुको, कुत्तों को मारना पड़ेगा। ओ ब्रो डबल टीम अटैक हो रहा है मेरे पर, ये मुझे हवा में उड़ा रहा है, साथ ही साथ कुत्तों से भी खिलवा रहा है। निकल 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 निकल। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, निकल 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 यहाँ से। इसको थोड़ा बहुत मैं घुमाने वाला हूँ भाई साहब, मुझे कुत्ते मारने पड़ेंगे भाई। मैं एनिमल लवर हूँ भाई, मैं एनिमल लवर हूँ यहाँ पे, मैं कुत्ते नहीं मार सकता इस तरीके से। ओ मुझे कुत्ते की आवाज नहीं दी अभी यहाँ पे। नीचे तू, नीचे तू, जमीन पे तो तर एक बारी भाई। कितने कुत्ते यहाँ पे, कुत्ते मारने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे, कुत्ते मेरे को खा लेंगे। ओ तेरी भाई, काले काले के कुत्ते भाई, मैं मरने वाला हूँ मैं भी। अब मुझे भागना पड़ेगा गाइस यहाँ पे, मुझे भागना पड़ेगा खाना खाते हुए। ओके थैंक यू सो मच, थोड़ा बहुत मुझे खाना खाने का टाइम दे दिया इसने। आ जा मेरे बेटे। मैं भाग रहा था रुको। पर भाई ये करने के लिए कितना आसान है कि नहीं है भाई? मैं एमएलजी कर दूंगा भाई, तू मेरा जितना मर्जी हाइट में ले जा, मरने वाला नहीं हूँ भाई साहब। ये मेरी ना आज तक की सबसे अजीब फाइट है हमारे पूरे हेमलैंड के सफर की। बच गया। ओ माय गॉड, हाँ जा मेरे को गाइस अब एक काम करना पड़ेगा, कुत्ते मारने ही पड़ेंगे किसी तरीके से, कुत्ते मारूंगा। रुक जा, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे। ओ वाह वाह, उड़ रहा हूँ। ये क्या कर रहा है बंदा, मेरे को मार रहा है, उड़ा रहा भाई। मेरे को कुत्ते मारने पड़ेंगे गाइस। ओके तू हवा में जा, तेरे कुत्ते में पेल दूंगा। वेट, अबे स्ट्रेंथ मार रहे इनको भाई साहब, हवा में उड़ रहे साथ में, कुत्तों को यहाँ पे स्ट्रेंथ मारो को। मुझे कुत्ते मारने पड़ेंगे गाइस, ये ना मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे तंग कर रहे हैं। मर जाओ जल्दी जल्दी मर जाओ, ये कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं भाई? हेलो, ओ माय गॉड मेरी हेल्थ जा रही है भाई। ये बंदा ने इनको स्ट्रेंथ के पोशन मार रहा है, नॉट इवन जोकिंग मैन। ओके मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे खाना खाने वाला हूँ, कुत्ते ना वहीं पे गैदर हो गए हैं। भाई साहब ऊपर से बैठ के देख रहा है बंदा कि कितनी खतरनाक स्ट्रेंथ लगी है, वो देखना पड़ेगा मेरे को एक बारी। आजा 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 आजा, एक एक करके सबको मार देगा मैं, सबको मार देगा मैं। ऊपर है भाई ये बंदा अभी तक। ओ माय गॉड, मेरे को वो उड़ा रहा बीच में ये बंदा भाई। ये मुझे ना फॉल डैमेज था, कुत्तों के साथ मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे इन सब कुत्तों को एक बार खत्म करना पड़ेगा भाई। कितने देगा भाई इनको स्ट्रेंथ है बंदा है? आजा आजा भाई, मैं नहीं लड़ सकता इनसे। मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से गाइस। इन कुत्तों को मारूंगा कैसे मैं भाई, ये बहुत सारे है ये भाई। मेरे को यहाँ पे नूबड़ा जी को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं यार, ये बहुत सारे हो गए हैं। ये मेरे यहाँ पे डबल टीम ट्रिपल टीम अटैक कर रहे हैं। ओ तेरी भाई, स्ट्रेंथ वाले कुत्ते और भी खतरनाक होते हैं, मैं इनको एटलीस्ट मार तो पा रहा हूँ यहाँ पे, बड़े मेरे को ना हर जगह से घेर नहीं पा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये फाइट बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुकी है भाई साहब। इतने बचे इनको मार दूंगा मैं। आजा तू आजा, तेरी पकौड़े तेरे को बताता हूँ मैं। ओ इनविजिबल है भाई, इसने करे कुत्ते साथ में अपने भाई साहब। एक आधे लॉट बचाता जब इनका, ऊपर से देख रहा है भाई ये बंदा। ओ माई गॉड, इसको तो मैं भाग रहा है भाई साहब। इस बंदे ने ना बहुत ही गंदे तरीके से वो स्पेल वगैरह पढ़ लिया, मेरे को मारना पड़ेगा गाइस इन कुत्तों का। सॉरी मैन, पर इनको मारना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। ये यहाँ पे मुझे अदरवाइज तंग करता है। अरे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ये मुझे हवा में क्यों उड़ा रहा है भाई? और ये भाई आखिरी कुत्ते बचे हो शायद से भाई। इस बंदे को ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते यहाँ पे स्पॉन कर दिए जो इसको बचाएंगे, बट इसको फर्क नहीं पड़ता है, इनको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया इस बंदे ने। चलो फाइनली सारे के सारे बंदों को मार चुका, खुद ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया भाई साहब, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया बंदा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं भाई इस बंदे को अपने कुत्तों वगैरह की। एंड मैं देखने वाला हूँ, मे बी यहाँ से ऊपर गया होगा, आई डोंट नो मैन, पीछे से हवा में उड़ता ना आ जाए गाइस। अगर ये बंदा कहीं बाहर होगा तो मैं अंदर जाके चोरी कर लेता हूँ ना। मुझे लग रहा है गाइस कि मैं इसको ना मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, बट अगर यहाँ से अंदर हुआ तो आई डोंट नो कि अंदर कितना बड़ा महल है ये ऑलरेडी, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरे को यहाँ पे इजीली मार दे। ओ भाई साहब, अंदर से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये। ओके आराम आराम से मैं नीचे के लिए जाने वाला। ओ माय गॉड, इस बंदे ने अपने लिए यहाँ पर एक सिंहासन बनाया हुआ है। वेट, यहाँ से नीचे, अबे नीचे आने का तो रास्ता यहाँ पर बंद है क्या? ओ माय गॉड, क्या हार्ट अटैक दिया इसने मेरे को। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, निकल 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 निकल, आजा आजा आजा। तेरे को मैं दो चार फटका तो मैं भी तो ऐसे मारूंगा ना भाई कि तू भी याद
करे भाग रहा है। ओ माय गॉड, मेरी भी यहाँ पे चली गई थी। ओ माय गॉड, कहाँ गया बंदा भी है? पूरा ध्यान देना पड़ेगा भाई, इसके पास बुक्स क्या कर, ये पढ़ाई भी करता है क्या ये बंदा? यहाँ पे आ गया, मैं देखा उसको, ये मेरा हंट डाउन कर रहा है, ये मुझे हंट डाउन कर रहा है। आ जा। ओके। ओ माय गॉड, मेरी हेल्थ गई, मेरी हेल्थ गई। कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी बॉक्स उठा, कम ऑन। नहीं बाहर नहीं जाऊंगा मैं, बाहर नहीं जाऊंगा मैं अभी। इसको ना मैं थोड़ा गेड़ा काने वाला, लग गया इसको गेड़ा। ओ तेरी भाई साहब। कहने के बाद गाइस ये है यहाँ पे कि जब मैं इसको मार रहा हूँ ना, इसकी हेल्थ भी जा रही है यहाँ पे। मतलब इमॉर्टल तो नहीं है, इमॉर्टल का मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी मरेगा नहीं, है ना, मरने वाला बंदा है ये। आजा बेटे, आजा। नहीं 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 नहीं, इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है भाई। इसने ना गाइस कुछ, ओके मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, ये चमकीला। ओके ये बंदा अपने सिंहासन के पीछे वो स्पेल वाली बुक पढ़ रहा था। वेट, यहाँ पर कहीं पर वो बुक तो नहीं मिल जाएगी हमारी उसकी? आजा पकौड़ा। निकल 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 निकल। ओके थोड़ा सा ब्लॉक ब्लॉक लगा पीछे। ओ माय गॉड, कहाँ है ये बंदा? आजा जाना जाना, आजा जाना जाना। ओ भाई बच गया मैं अभी, मेरी हंगर है मेरे पास। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थोड़ा सा कम हो जा भाई मेरी हंगर बार। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। इस बंदे ने गाइस यहां पे एक स्पेल मारा हुआ है और आई गेस ये और ज्यादा पावरफुल बन चुका है अभी। आजा 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 पकौड़े। गाइस मैंने तुम लोगों से वादा किया था ना, इसको मार के रहूंगा मैं। उछल उछल के मारूंगा मैं सुन, देखो उछल के मारूंगा। पकौड़े बोल, अब बोल। आजा बेटे, स्मार्टी भाई तेरा वेट कर रहा है। आजा आगे आ सकते आगे भाई, ये तो आजा बेटे आजा। ओ माय गॉड, अरे कारपेट्स के ऊपर यहाँ पे हम लोग लगा नहीं सकते उसको। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ब्लॉक्स लगा लगा के। बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। इसके पास आई गेस, आई डोंट नो किसके पास वो है कि नहीं है। थोड़ा मैं ऐसे रहने वाला यहाँ पे। हाँ मेरे बेटे, थोड़ा दिमाग तो हम भी लगा सकते हैं। मैं ऊपर ऊपर से इसको यहाँ पे पेल सकता हूँ। ओ माय गॉड, बहुत बिग ब्रेन है भाई इस बंदे का, उसको मैंने यहाँ पे थप्पड़ अटैक करने वाला। ओ तेरी, भाग रहा है मेरा बेटे। ओके मेरी हेल्थ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है ब्रो। ओके गाइस मेरे अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ चुका है अभी। मैं उसको आजा, डरा रहा है भाई तो मेरे को, और कुछ नहीं कर रहा है अभी। उसको पेल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया भाई मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस आ गया भाई मेरे अंदर। अभी अभी मैं उसको पेलूंगा। आजा। ओ शिट, ओ नो ओ नो ओ नो। नुबड़ा जी नहीं, नुबड़ा तू क्या कर रहा है? नुबड़ा ब्रो का खाना खांदे। नो वेज नो वेज नो वेज नो वेज डूड। नुबड़ा जी आप यहाँ पे क्यों आए? ओके ये कितना क्यूट है भाई, ये उसको उससे मार रहा है। ओ नुबड़ा जी, अरे कहाँ पर है भाई, मेरे को उसको बचाना पड़ेगा गाइस। 5% पावर है इस बंदे के पास और साथ ही इसके पास हेल्थ भी नहीं है। रुक जा, छोड़ मेरे भाई को, छोड़ मेरे भाई को, मेरे को मार। नुबड़े भाग, नुबड़े भाग, नुबड़े भाग, मैं जो तेरे को बता रहा हूँ नुबड़े भाग, ठीक है ना? नुबड़े ये कंटिन्यू नुबड़े के पीछे पड़ा हुआ भाई, बंदा मर जाएगा मेरा नुबड़ा भाई अगर मरा गया तो मैं प्रोफेसर को क्या मुंह दिखाऊंगा। नुबड़ा जी भागो भागो, सॉरी 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 सॉरी, नुबड़ा जी भागो 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 भागो। आजा आजा। ओके मैं खाना खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। मेरा खाना ड्रॉप कर दिया, मेरा खाना ड्रॉप कर दिया। मेरे को बचाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर। ओके मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं पूछूंगा नुबड़ा जी भागो भागो भागो। रुक जा, नहीं मेरा खाना खा गया। अरे मेरा खाना उठा दिया किसी ने, नहीं मैं क्या करूंगा, रुको खाना खा दो मैं एक बार। Bro, I'm dead. ये भाग रहा है। नुबड़ा जी मारो उसको, मारो उसको। अब ये भाग रहा है क्योंकि ना इसके अंदर अभी शायद से पावर कम है, तो पता नहीं क्या सीन है। ओके ब्रो, एक तो बंदा मरता क्यों नहीं है, ये बंदा मरता क्यों नहीं है? ओ शिट, मेरा वो खाना कहाँ गया भाई, मेरे को तो ये नहीं चल रहा, बता, मेरे पास खाना नहीं पड़ा यहाँ पे। ओ माय गॉड, माय गॉड, इधर ना आइए भाई तू अभी एक बारी। नुबड़ा जी मैं आपकी मदद करूंगा। नुबड़े भागता रहा कंटिन्यू, नुबड़े भागता रहा कंटिन्यू, नुबड़े भागता रहा कंटिन्यू। ओके भाई साहब ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ऊपर चढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक तो हेल्थ नहीं। मेरे को मार रहा भाई, मैं तेरे को इसको थोड़ा थोड़ा मारना पड़ेगा मेरे को। ओके ओके नुबड़े 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 साइड, मैं क्या मैं क्या मैं क्या मेरे पास नहीं है, 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 मेरे पास नहीं है। ओ नुबड़ा जी, नुबड़ा जी प्लीज भागो 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 भागो, मार के ले आओ, मार के ले आओ नुबड़ा जी, नुबड़ा नुबड़े प्लीज नुबड़े, शीश की शील्ड गई। नुबड़ा जी, नुबड़ा जी मेरी बात सुनो, मैं नीचे नहीं आ सकता आपको बचाने के लिए, मेरे पास ना खाना है, वेट खाना भी नहीं मेरे पास, और ना ही मेरे पास वो है क्या बोलते हैं उसको, लाइक अपने आप को यहाँ पे रिजन करने के लिए, अगर मैं नीचे गया तो मुझे मार देगा अभी और इसी वक्त। बट नुबड़ा जी आपको प्लीज मेक श्योर करना कि आप बचे रहो प्लीज। नुबड़े व्हाट, किसके मुंडे को उन्होंने साटो की है? व्हाट, इसका हो गया भाई, इसकी 5% वो गई पावर्स। इस फेरो को ना मैं वापस आके मारने वाला हूँ अभी। गाइस बहुत बड़ा नर्थ हो चुका है, स्वेयर टू गॉड बहुत ही बड़ा। ये रुक गया, ये मुझे देख के रुक गया, अभी मुझे देख रहा है। अरे भाई एक सेकंड भाई, ये हिलना बंद हो गया गाइस, कहीं मर तो नहीं गया यहाँ पे। ओ माय गॉड फेरो, मैं तेरे को नुबड़ा। ओ व्हाट व्हाट, ये ओ ओके ओके गाइस,
चेक दिस आउट, मुझे कोरस फ्रूट यहाँ पे मिल चुका है। एक सेकंड रुको भैया, कोरस फ्रूट तो मुझे मिला पर प्रोटेक्शन 4 के साथ ये क्या है? अच्छा इसके ऊपर यहाँ पे प्रोटेक्शन 4 जो लगाया हुआ है लोगों ने, ये इसको जान मुझ के यहाँ पे लगाया हुआ ताकि ये वाला जो फ्रूट है हमारा खराब ना हो, ना ही सड़े ना ही कुछ इसको हो। ओके और ये क्या है? फेरोज क्राउन। मैं समझ गया भाई, ये जो हमारा फेरो का क्राउन की बात यहाँ पे हो रही है ना, देखो मैं इसको पहन नहीं पा रहा हूँ। देखो इस पे लिखा हुआ राइट क्लिक टू इक्विप, मैं एक्चुअली राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पे शील्ड अप हो रही है गाइस। इसका मतलब समझे, वो बंदा ना एक्चुअली इसका ट्रूफुल किंग बना हुआ था। ओ माय गॉड नूबड़ा जी, पर मैं आपको ना भी इतना फटके मारने वाला हूँ ना, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया ना यहाँ पे, मेरी हेल्थ देखो, हेल्थ ही नहीं है मेरे पास, मैं आपको बचाने नहीं आ सकता था। पर ये अभी हुआ क्या यहाँ पे? लाइक आपके अंदर से वो अजीब सी पावर निकली एंड देन लाइटनिंग आई वहां पे, एंड मतलब वो था क्या भाई, हुआ क्या हुआ एकदम से आपको, है कुछ आइडिया है क्या आपको? इसको नो भाई, कितना क्यूट है यार भाई, इसकी शक्ल देखने से क्यूटनेस ही दिखती है मेरे को यहाँ पे। आई हैव नो आइडिया गाइस कि इसने खुद को किस तरीके से यहाँ पे रिवाइव किया, बट इसने मुझे बचा दिया ब्रो, तूने मेरे को बचा दिया, थैंक यू मैन। अब यहाँ पर तो हम लोग हर जगह पे जा चुके हैं आई गेस, हम लोगों को वैसे हम लोगों को जरूरत नहीं अब जाने की है। नुबड़ा जी मैंने तो समझाया था ना कि ये कोरस फ्रूट हमारे पास आ चुका है, इसके थ्रू हम लोग बात कर, वेट मैं बात करने की ट्राई करता हूँ ना, अगर मैं यही सबने दोस्तों से बात कर पाया तो फिर मेरे को फालतू का उसके लिए बुक लाने की जरूरत ही पड़ेगी, बुक ऑफ ओल्ड स्पेल्स फालतू क्या ना, मैं ट्राई करता हूँ एक बार जरा। मैंने खा लिया इसको। एजियो हेलो 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 भाई, कोई आवाज नहीं आ रही। नुबड़ा तेरे को आवाज आ रही क्या उसकी? तू एंटिटी है तेरे को? नहीं इसको भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, एक काम कर आजा, हम लोगों को इसको लेकर जाना ही पड़ेगा वापस उस बदसूरत लाइब्रेरियन के पास, दिस मींस उसका काम ना मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा। चल आजा नहीं चलते हैं। नो मैं नहीं तोड़ पा रहा उसको। नुबड़ा आप ट्राई करो एक बार, आप एंटिटी आप तोड़ पाओगे शायद? देखो मैं नहीं तोड़ पा रहा, ये तोड़, अबे पिकैक्स होगी भाई तेरे पास, क्यों ब्रेड से तोड़ रहा है, क्या आदमी है ये। अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू इतना काफी अभी चलने के लिए। ओ तेरी ब्रो, यहाँ पे इतने सारे दरवाजे हैं, एक काम का सारे दरवाजे तोड़ खोल और उनके अंदर जितने भी चेस्ट वगैरह रखी है सब कुछ चेक कर यहाँ पे ब्रो। बुक अभी एंशियंट बुक ऑफ ओल्ड स्पेल, अरे यहाँ मैं चेक कर लूंगा, तो दूसरे कमरे जाके चेक कर, कमन कमन जल्दी जा, दूसरे सारे के सारे कमरे चेक करो ठीक है ना भाई, और मैं तेरे को 2 मिनट में यहाँ बाहर मिलता हूँ हॉल में, जल्दी जल्दी ढूंढ यार वो बुक, ढूंढ के निकल जाते हैं इससे पहले कि यहाँ पे फेरो की फालतू की कोई और कुत्तों की आर्मी आ जाए यहाँ पे और हम लोगों को तंग लग जाया करने। भाई साहब मैं बिल्कुल भी किसी भी टाइप का रिस्क नहीं चाहता यार, और यहाँ पर भी नहीं है भाई, कहीं पर कुछ भी नहीं है। नूरज आपको मिला कुछ क्या वहाँ पे सामने? इसको भी कुछ नहीं मिला ब्रो, जाए कहाँ पे यार? अरे कुछ तो देखो दिखा होगा ना भाई। वेट व्हाट, अबे तेरे को इतनी औसम जगह दिखी तूने मुझे बताया नहीं यार, ये क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटल्स, ओ वेट ब्रो, ओ आवाज सुनो गाइस, आवाज सुनो, अरे सॉरी भाई क्या कर रहा है सामने खड़ा रहा भाई, ये देखो क्या क्या क्या, ये देखो मुझे आपको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी थी मुझे गाइस, आवाज सुनो अंदर, आवाज सुनो अंदर, पोर्टल की आवाज है अंदर। नुबड़ा जी यहाँ से अंदर जाना है हमको, बट वेट हम लोग जाएंगे कैसे, यहाँ तो मैं कुछ भी तोड़ नहीं सकता। नुबड़ा जी आप यहाँ पे तोड़ पाओगे, नुबड़ा जी आप तोड़ो उसको, अंदर पोर्टल है मेरे भाई, हम भी यहाँ पे फालतू में लगे, ये भी नहीं तोड़ पा रहा, तोड़ पा रहा है नहीं तोड़ पा रहा है, अरे भाई मुझे कुछ दिखा यहाँ पे ग्लिच जैसा, देखो यहाँ पे कुछ ग्लिच हो रहा है, कुछ यहाँ पे ग्लिच हो रहा है 100% बोल रहा हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पे राइट साइड के लिए 100% गाइस मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को ना हल्का हल्का पोर्टल दिख रहा है राइट साइड के लिए, तुम लोग देख सकते हो ब्रो। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में यहाँ से अंदर जाना है, पर जाएंगे कैसे, ये चीज यहाँ पे टूट नहीं रही है। मुझे उस बदसूरत लाइब्रेरियन ने भी पता क्या बताया था कि वो बेसिकली जब उसने मुझे बोला था कि हम लोग चुपचाप से भी अंदर जा सकते हैं चोरी चोरी छुपे, अगर उसने कोरस फूड अंदर छुपाए होंगे, वो बंदा यहाँ पर आया था बहुत पहले ये चीज करने के लिए एंड अपनी बुक जो है ना उसकी एंशियंट बुक ऑफ ओल्ड स्पेल्स की, उसको भी ऐसे चोरी करके ढूंढने के लिए, बट उसने मेरे को बोला कि वो यहाँ से अंदर जा ही नहीं पाया, उसको कुछ मिला ही नहीं, दैट इज यहाँ से अंदर जा नहीं पाए। अनब्रेकेबल है भाई ये भी। नुबड़ा जी आपको एक बात बोलूं, अगर अनब्रेकेबल है ना तो कोई ना कोई कुछ, देखो यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, इसका मतलब कुछ तो होगा है कि नहीं, आपको क्या लगता है भाई? कुछ ना कुछ तो इसका मतलब है जो कि हम लोगों को शायद से, यहाँ पे देखो ना भाई फालतू की चीज यहाँ पे बना के रखी हुई है भाई, क्या है ये? यहाँ पे रेल ट्रैक्स आगे के लिए जा रही है फालतू का रेल ट्रैक, कुछ ना कुछ इसका मतलब है, कुछ तो होगा। रुको मेरे को खाना खान दो, बोलो कहीं बाहर टेलीपोर्ट ना हो जाओ यहाँ। ओ वेट वेट मैं ना बेवकूफी कर रहा हूँ, ये कोरस फ्रूट है ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, मैं इसको नहीं खा सकता एक्चुअली यहाँ पे अभी। यहाँ से अंदर कैसे? नुबड़ा जी थोड़ा दिमाग लगाओ यार, नुबड़ा जी आपके अंदर तो पावर्स भी है यार, कुछ करना भाई, तोड़ इसको भाई, मैं तो बोलता हूँ तू फाड़ दे इसको, कुछ कर सकता है क्या? ट्राई कर जरा एक बारी, है कुछ तोड़ने तोड़ने की, कुछ खोलने खोलने की, भाई साहब काश हम लोग इसको तोड़ पाते भाई, मैं तो खुश हो जाता सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को यार। पता नहीं कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा भाई इससे भी, गाइस मैं तुम लोग 100% बोल रहा हूँ करना कुछ ना कुछ इसके साथ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखने की यहाँ पे क्या जरूरत है, क्या कर रहा है देखो छोटे बच्चे की तरह लग गया खेलने फिर से भाई, ये बंदा ना भाई मानता नहीं लगा भाई,
तू यहाँ पे एंजॉय करना है क्या पिकनिक पे? तू क्या आया हुआ भाई? हेलो, हम लोग यहाँ पे कुछ मिशन सॉल्व करने आए हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, माइनक्राफ्ट के अंदर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का क्या मतलब हो सकता है गाइस? देखो रॉकेट्स, ओके सुन मेरी बात सुन, ये बंदा एंटिटी है गाइस, तो इसके पास यहाँ पे ना इन्फिनिट इन्वेंटरी होगी, मुझे पता है। इसको तोड़, सॉरी अपनी जेब में डाल उसको, ठीक है ना? मेरी बात सुन, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मतलब रॉकेट्स हो सकता है। तो मुझे रॉकेट पकड़ा जा, दो तीन रॉकेट पकड़ा, कोई भी दो तीन चार पांच छह रॉकेट पकड़ा जरा भाई, तू मेरे को एक बारी। मैं जैसे एक बारी देखना चाहूंगा कि क्या पता रॉकेट को यहाँ पे चलाकर कुछ हो जाए, कुछ हो रहा है क्या? अरे भाई रुक जा, इसके पीछे क्या पता कोई सीक्रेट बटन हो जिसको ये करके यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एक्टिवेट। नहीं, इससे नहीं हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है नुबड़ा जी? सोचो, अगर रॉकेट्स नहीं है तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पीछे देख। व्हाट? मेरे को पकड़ा जल्दी ब्रो। देखो मैं इसको हाथ से उठाऊंगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको हाथ पे लाऊंगा। ओ माय गॉड, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मतलब नेदर स्टार है ना, इसको नाम पढ़ सकते हो गाइस, नेदर स्टार। तो नेदर स्टार से रिलेटेड कुछ तो करना है भाई। सुन थोड़ा खाना दे दे मेरे को तो एक बार यार, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ब्रेड पकड़ा दे भाई, उतना भी काफी हो जाएगा मेरे लिए। गाइस मैं तुम लोगों को 100% बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों को नेदर स्टार की हेल्प से इसको खोलना है ब्रो। ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी कुछ चीजें आ रही है इस दीवार के अंदर से। ओ माय गॉड नुबड़ा जी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट ब्रो। जब तूने इससे पहले मुझे नेदर स्टार दिखाया ना, उससे जस्ट पहले जब मैंने बोला कि ओ, तो मुझे पता क्या लगा था कि शायद हम लोगों को फायर चार्ज वगैरह का काम हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पे नेदर स्टार का ही काम है। तू इंटेलिजेंट तो है, पर यहाँ से अंदर जाऊं कैसे मैं भाई? तो यहाँ पे कुछ तो ग्लिच हो रहा है भाई बीच बीच में। ये सिस्टम ना किसी बहुत ही अजीब से आदमी ने बनाया हुआ भाई, अगर ये मिस्टर फलाना जी बनाता तो इस टाइप के ग्लिच ना होते। देखो यहाँ पे ना हल्का हल्का करके कुछ ना कुछ दिख जाता, अभी दिख नहीं रहा वाला बात है। क्या छोड़ो गाइस, यहाँ से अंदर जाने का कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। नुबड़ा जी कुछ ट्राई करो, कुछ फिगर आउट करने की ट्राई करो यार, क्या हो सकता है? इसको हम लोग यार बहुत देर से तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं, बट इस नेदर स्टार से कुछ समझ नहीं आ रहा ब्रो। ऑफ हैंड में पकड़ के रखूंगा तब शायद से टूटने, ऑफ हैंड से तो भाई गायब हो रहा है, ऑफ हैंड से तो ये गायब हो रहा है क्लियरली। वेट, नुबड़ा जी एक काम करो, मुझे पकड़ाओ जरा, आप क्या बोलते हैं इसको, ये था अपना जो माइनकार्ट, पकड़ाओ। देखो ना माइनकार्ट, ये रेल ट्रैक से ये आगे के लिए क्यों जा रहे हैं? ये आगे के लिए जा रहे हैं ना सामने के लिए, तो हो सकता है कि हम लोग इसके अंदर बैठ के, मेरा कुछ सेंस नहीं बना रही भाई ये चीज, बट मे भी हो सकता है कि इससे हो। नुबड़ा जी अंदर आ जाओ, आप भी जल्दी आ जाओ भाई। मैंने एक सेकंड कंफ्यूज हो गया था, क्या एंट्रेंस है ब्रो, क्या एंट्रेंस है, ये कौन बंदा जिसने इतना दिमाग लगाया? जल्दी आ भाई मरियो मत, जल्दी आ जा, शाबाश नुबड़ा जी। बस माइंड कार्ड क्या रखते हैं, वापस बाद में जाएंगे, ठीक है ना? आ जाओ मेरे साथ आप भी यार। ब्रो ये जिस किसी ने भी बनाया है ना, ये दुनिया की सबसे ज्यादा औसम चीज। अब यहाँ पर हम तो नेदर के अंदर ही आ गए भाई, हमको करना है क्या यहाँ पे? अभी पूरा नेदर छान मारना है क्या हमको? हैं यार ये एंशिएंट बुक ऑफ ओल्ड स्पेल्स कहाँ पे होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बंदा हम लोगों को यहाँ से बाहर जाने नहीं देगा, मैं तुम लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ। नुबड़ा जी क्या लिख रहे नीचे? इधर आ जाओ जल्दी। क्या क्या है भाई यहाँ पे है? ओ रुक जा, गलती से भी राइट क्लिक मत करियो भाई साहब। ब्रो यहाँ पे बेल्ट लगाया हुआ भाई किसी ने। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, कौन हम लोग इतना बेवकूफ समझता है भाई यहाँ पे है? कौन यहाँ पे बेवकूफों की तरह इस बैटरी के ऊपर क्लिक करने वाला? मैं तो कभी नहीं करूंगा। नुबड़ा जी आपने गलती से राइट क्लिक मत करना, ठीक है ना भाई? इतने अकल तो है ना आपके अंदर, बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करना, ठीक है ना आपने? बट ये बैट अगर यहाँ पे कैसे लगाया हुआ है तो कोई ना कोई तो इसका मतलब होगा या मकसद। वेट मैं इसको भी यहाँ पे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। नुबड़ा जी प्लीज मरियो मत भाई, तू मुझे हार्ट अटैक क्यों दे रहा है? गाइस मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, देखो लेफ्ट क्लिक तो कर सकता हूँ। देखो आवाज सुनो, कितनी अजीब सी आवाज आ रही बैट से भाई, मैं तोड़ नहीं पा रहा उसको। वेट आसपास यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ होगा, एंड किसी बंदे ने हमको बेवकूफ बनाने के लिए ये बैट यहाँ पे लगाया हुआ है। और मे भी हो सकता है इस हिमलैंड के थर्ड डायमेंशन के अंदर हम लोग नेदर के अंदर सो सकते हैं, आई डोंट नो। गाइस ये नेदर इतना ज्यादा बड़ा है ना, मैं तुम लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है किसी भी जगह को ढूंढने के लिए। क्यों लगा है भाई नुबड़ा जी, क्यों बैट के आसपास क्यों खेलना है? अरे अभी मरेगा भाई एक सेकंड के अंदर, फिर चलेगा उसके यहाँ पर, बता। ये बंदा भाई इस दुनिया में ना मेरे को हार्ट अटैक देने के लिए पैदा हुआ सिर्फ। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? What? No ways. ये मेरे आंखों के सामने गायब हो गया। What? Oh, wait. Guys,
मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे ना बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बेड या तो असली या तो नकली। बेड नीचे कुछ लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? हाँ भैया जल्दी से नीचे आ जाओ, नीचे जगह है। अरे कैसे आओ नीचे डुबड़ा जी, देखो ये बंदा यहाँ से नीचे गिरा मेरे सामने। देखो यहाँ पर कोई ऐसा है जो मुझे पीछे के लिए पुश कर रहा है। देखो पीछे के लिए पुश कर रहा है कुछ लोग यहाँ पे। तू नीचे घुसा कैसे? ओ ये बेड फेक है, इट्स अ फेक बेड ब्रो। ओ तेरी भाई साहब, इतना बड़ा रूम, वो भी कैसी खोपची वाली जगह पे। भाई उस बंदे ने ना, वो जो हमारा अजीब सा किंग था ना, उसने बहुत ही दिमागी काम किया नूबड़ा जी यार। बट सॉरी यार, मैंने तेरे को इससे पहले बोला कि मतलब तू यहाँ पे सिरदर्दी के लिए आया मेरे लिए सिर्फ इस दुनिया में। बट एक्चुअली गाइस, अगर ये थोड़ी ये बच्चों वाली हरकतें ना करता उस बेड के आसपास, इसको ना एक्चुअली वो जो बेड के पास वो जो अजीब सी फोर्स थी ना, जो मुझे बेड से बाहर धकेल रही थी, वो उसको फील हो गई थी। दैट्स व्हाई ये उसके आसपास खेल रहा था, क्योंकि का बच्चों वाला दिमाग है ना इसका छोटा सा, तो इससे अट्रैक्ट हो गया। मैं तो दूर भागता डर के मारे, टू बी ऑनेस्ट मैन। और देखते हैं, यस बुक ऑफ ओल्ड स्पेल। वेट ये क्या है? खाली है बुक भाई, देखो कोई भी पेज खोला। ब्रो दिस बुक इज एम्प्टी, ये खाली बुक है, ये खाली बुक है, देख अंदर। उसने हम लोगों को इतना लंबा चौड़ा वो काम करवाया, वो जो हम लोगों ने अभी दरवाजा खोला, पता है कितना टाइम लगा गया इस ढूंढने में उसको, लाइक उस कोड को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट लगे, वो भी खाली बुक के लिए। इस बुक को तो मैं, रुको इसको फेंकूंगा तो नहीं मैं, बट इसको लेके चलते, उसको मैं भी ऐसा मारूंगा ना, उसको मैं कसम से, गुस्सा आ रहा है यार, मेरा गला सूख चुका है नूडा जी। भाई कितना अजीब लगा भाई, तो अभी ऐसे करके आजा, एक काम करता हूं, इसको मैं यूं करूंगा तो यस। ये कितना ऑसम है भाई, ये जो भी चीज है यार, मैं प्रोफेसर को बोलने वाला, भाई तेरे भाई को मैं बोलने वाला नूडा जी कि भाई तेरे को मेरे लिए बनाना पड़ेगा नूडा, जल्दी आ जाओ यहाँ से बाहर चलते हैं, कम ऑन मैन। आ रहा है तुम्हारा भाई यहाँ पे। अबे क्या कर रहे है? मेरे को मरवाएगा भाई तू यार, यहाँ पे तूने मुझे इतना स्लो कर दिया। चलो गाइस फाइनली वी हैव डन इट, और यहाँ से बाहर चलते ब्रो आजा। मेरे को इस जगह पे बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है, बुक ऑफ ओल्ड स्पेल्स ने बेवकूफ तो हमारा बना ही दिया है, अब यहाँ से वापस चलते हैं एक बार। ओ माय गुडनेस डूड्स, इस टाइप की फाइट मैंने जिंदगी में पहली बार करी है उड़ उड़ के भाई साहब, एंड आई हैव नो आइडिया बट नूबड़ा जी के साथ पता नहीं क्या हुआ है। नूबड़ा जी आप मुझे एक बात बताओ, आपके साथ जो भी उस टाइम पे हुआ ना, उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है, मुझे वो चीज बताओ। उस साइड से आता है, बैक साइड से, वो सब कुछ मेरे को बता, तेरा जो एक्सपीरियंस रहा अभी तक का यार, वो हुआ क्या तेरे साथ? ऑल राइट, तो नूबड़ा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम लोग यकीन नहीं करोगे इस बात का कि नूबड़ा जी ने ना गाइस, जब इसको वो बंदा मार रहा था ना बुरे तरीके से, और जब इसकी वो मुंडी घूमने स्टार्ट हुई, उस टाइम पे इसकी पावर जो 5% बची थी वो जीरो हो चुकी थी, एब्सोल्युटली जीरो। बट अचानक से क्या हुआ इसको नो आइडिया, बट एकदम से इसके अंदर की जो पावर है वो 100% हो चुकी है अभी। आई डोंट नो उस पिरामिड के अंदर क्या हुआ इस बंदे के साथ, बट अभी गाइस जो इस बंदे की हेल्थ पूरी की पूरी जा चुकी थी, जो पावर्स पूरी की पूरी जा चुकी थी, लाइक 95% जो इसकी वो चोरी कर ली थी ना उन लोगों ने लास्ट सीजन के लास्ट वीडियो में, तो भाई साहब वो 95% सारी की सारी पावर जिसकी वापस आ चुकी है ब्रो। दिस इज सो कंफ्यूजिंग, आई हैव नो आइडिया कैसे हुआ। बट ये चीज गाइस मैं पूछने वाला हूँ उस लाइब्रेरियन से, जब उसको मैं ओल्ड बुक तो पकड़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, बट उसके पिछवाड़े पे दो थप्पड़ मारूंगा ना जब मैं, कि साहब हमको तूने ये खाली बुक लाने के लिए भेजा, उस वक्त पूछूंगा उस समय कि क्या सीन हुआ इसके साथ। आ जाओ नूबड़ा जी, यहाँ से ऊपर है वो बंदा, हाँ अभी तक वही है भाई, अभी तक क्या पीता रहता है ये, कह रहे सब छोड़ ब्रो। देख मैं ये लेकर आ चुका हूँ कोरस फ्रूट, और मैं इसको खा रहा हूँ, यहाँ देख तेरे सामने खाऊंगा। हेलो 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 एसडीओ, हेलो एसडीओ, हेलो एसडीओ, ले कोई आवाज ही नहीं है भाई, तूने मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर दिया ये कैश, तू मुझे ना कर रहा है भाई। ये बंदा इतने सोफिस्टिकेटेड होने की एक्टिंग तो कर रहा है, बट यार मतलब, हाँ बेटे ये देखो हमारे पास क्या है, ये चाहिए थी ना। अरे मेरे पास में, तू दूर है दूर है दूर है दूर है, देख ऐसा है, देखो पहली बात तो ये बता, देखो बुक चाहिए वाली पक्का चाहिए? पहले ले काम कर, पहले ये काम क्यों नहीं कर रहे भाई, ये कोरस फ्रूट जो भी इसका तू कर सकता कर, एंड देन तुझसे कुछ और बातचीत करने में को, जल्दी आ 2 मिनट है वापस। ऑल राइट गाइस, तो इसने यहाँ पर काम हमारा कर दिया भाई साहब। ये मुझे बोल रहा है कि जो कोरस फ्रूट है इसको आप ऐसे एक्टिवेट नहीं कर सकते, इस पे हम लोगों को एक ओल्ड स्पेल मारना ही पड़ता है, जो कि इसको बाय द वे याद था, एंड वो जो स्पेल है ना वो हमारे इस ओल्ड बुक के अंदर भी लिखा होता। दैट्स व्हाई उस बेवकूफ बंदे ने वो ये जो बुक है ना इसकी एंशिएंट बुक ऑफ ओल्ड स्पेल्स, वो बुक चोरी कर ली थी, ताकि वो इसका एक्चुअली में इस्तेमाल तो कर पाए। कहाँ फेंके भाई, मुझे दे देना भाई। तो भाई बात ऐसे गई कि इसने मुझे बोला है कि अब मैं यहाँ पे इस कोरस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यू नो उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, मेरे दोस्तों से, ठीक है ना। एंड बदले में इसने मेरे को बोला है कि बुक ऑफ स्पेल्स पकड़ा, तो ले तेरे को मैं भी एक बात बताऊंगा, तेरे को थोड़ा सा झटका लगेगा, आई डोंट नो व्हाई, बट ये मुझे कुछ भी नहीं दिख रही, खाली दिख रही है, पता नहीं कहाँ चला गया भाई ये बंदा यार। वापस आ रहा है भाई, तुझसे एक और बात करनी है मैंने, जल्दी है वापस, जल्दी है वापस। छुपा के भी आ गए, वाह मेरे को तेरे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है नूबड़ा जी को लेकर। भाई साहब मेरे को बहुत टेंशन हो रही है यार, अभी कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था हमारे लिए यार, तो
तू एक्सप्लेन कर सकता है, इकलौता बंदा तू है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है, तो मुझे बता जरा फटाफट। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों ने लाइब्रेरियन भाई से बात कर दी। भाई साहब इसने मुझे डरा दिया यार एक्चुअली में। गाइस देखो, इसने मुझे वो बता दिया कि किस तरीके से एसएसएफ वगैरह से मैं बात कर सकता हूँ। दैट इज अ गुड थिंग, मैं अभी कर लूंगा उनसे बात, कोई सीन नहीं है। बट इसने नूबड़ा जी के बारे में मुझे बहुत ही अजीब सी बात बताई है। भाई तुम लोगों को पता है इसने मुझे क्या बताया अभी अभी? कि वो जो नूबड़ा जी के साथ गाइस इससे पहले हुआ ना, कि मतलब वो बंदा अपनी 95% पावर को खो चुका है। मैंने इसको एग्जैक्टली इस वे में समझाया कि इस बंदे की 95% पावर्स खो गई थी, लाइक कोई और निकाल के ले गया था। बट वहां पर एग्जैक्टली जो भी चीजें हुई, इसको मारा, उसने क्या क्या हुआ, फिर इसकी मुंडी घूमी, अचानक से बिजली गिरी और फिर नूबड़ा जी एकदम से नॉर्मल हो गया। तो ये चीज मैंने इसको बताई, तो इसने गाइस इस जो भी पूरा पूरा सिचुएशन हुई उसका एक ही कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन निकाल कर इसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी है। इसने मुझे गाइस, ये कितना ज्यादा स्लो है भाई, क्या चलता है ये, ऐसे लग रहा 100 साल का बुढ़ा है। कह रहे सब छोड़ो भाई, इसने मुझसे पूछा कि नूबड़ा जी की पावर किस तरीके से निकाली गई थी इसके शरीर के अंदर से। तो मैंने इसको बताया कि इसके शरीर से इसको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया और फिर इसको इतना कमजोर किया गया कि इसके अंदर से पावर्स निकाल दी गई 95%। तो इसने मुझे बोला कि वहां पर भी सेम चीज हुई थी। बेसिकली क्या हुआ कि नूबड़ा जी के दिमाग में वो ट्रॉमेटाइज हो चुका था। नूबड़ा जी वो जो इसको मार पड़ी है ना, इसके दिमाग के अंदर वो चीज बैठ गई थी पूरे तरीके से जब उसको मार पड़ रही थी, एंड वही सेम चीज रिपीट हुई इसके साथ वहां पे। एंड उस बंदे ने गाइस क्या किया था जिसने इसको मार रहा था ना सेकंड टाइम पे, लाइक वो पिरामिड वाला बंदा, तो उस बंदे ने ओल्ड स्पेल्स वाली जो बुक है ना गाइस, उसके अंदर से एक स्पेल पड़ा हुआ था खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। बेसिकली शक्तिशाली नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे खुद की हेल्थ बढ़ाने के लिए, लाइक ताकि उसके हर्ट ज्यादा जल्दी जल्दी जाए ना, वो मरे ना। तो बेसिकली क्या हुआ, उसने जो वो ओल्ड स्पेल्स वाली बुक के अंदर से स्पेल मारा था, उस वजह से उसके अंदर कुछ बोले कैसे कुछ पार्टिकल्स छूट रहे थे ना, एंड सेम टू सेम अलग टाइप के पार्टिकल्स इसके अंदर से छूट रहे थे नूबड़ा जी के अंदर से। तो हुआ कुछ यूं कि वो उस टाइम पे कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ कि नूबड़ा जी की पावर्स वहां पे रिक्रिएट हो गई सारी की सारी, और ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि उसने उसको वन शॉट किया। और इसने मुझे बोला कि एक्चुअली इसने वन शॉट किया होगा शायद से। मैंने बोला यस, मेरी आंखों के सामने दिस मींस गाइस। और इनफैक्ट इसने मुझे एक और बात बोली कि आज जो भी यहाँ पे नूबड़ा जी के साथ हुआ है ना, वो वन इन अ मिलियन चांसेस में एक बार होता है। भाई मेरा गला सूख रहा भाई, ये चीज मैं कैसे समझाऊंगा तुम लोगों को। बहुत ही बड़ी बात बोली है इसने। इसने मेरे को बोली है कि वो जो एंशियंट बुक है ना, वो खाली नहीं है, उसके ना आधे से ज्यादा जो पेजेस है ना, उसके जो जितने भी स्पेल्स थे ना, जो कि बहुत ही पावरफुल स्पेल्स थे, वो सारे के सारे वहां से गायब हो चुके हैं। अगर मैं कम से कम 15 से 20 पेज आगे जाता तो मुझे स्पेल्स वगैरह दिख जाते, बट पहले के 15 पेज गायब हो चुके हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो स्पेल्स है ना, उसकी जितनी भी पावर्स है, वो सारी की सारी नूबड़ा जी के अंदर आ चुके हैं। दिस मीन्स अगर ये चीज बाहर पता लगती है ना गाइस, तो इसकी जान को बहुत सारा खतरा है। या फिर अगर किसी ने भी इसके साथ कुछ भी गड़बड़ करी एंड इसने लाइक कुछ ऐसे उंगली भी उठा दी ना उनकी साइड, तो भाई पूरा का पूरा हिमलैंड डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ये बंदा, इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो इसने मुझे बोला है कि भाई इसको तू अभी यहां से बाहर वापस लेकर मत जाइयो, या फिर अगर लेकर जाएगा तो इसको छुपा के रखना पड़ेगा सबसे। इसके अंदर से वो सारी की सारी पावर्स निकाल कर किसी और चीज में, किसी बुक में या फिर किसी वस्तु में, किसी स्टोन में डालकर कहीं ना कहीं गाड़नी पड़ेगी हमको। अदरवाइज ये एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब की तरह है, जो पूरे के पूरे एमलैंड को विद इन 1 सेकंड डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी ब्लास्ट के साथ। 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे हम सारे के सारे, इतना खतरनाक बन चुका है नूबड़ा जी। यार कोई बात नहीं, हम आपको इस चीज से बाहर निकालेंगे। तो इसने मुझे बोला है कि किसी भी तरीके से इसको अपने घर वापस लेके मत जाइयो, लेकिन मैं इसको लेके जाने वाला हूँ भाई। नूबड़ा जी आप मेरे साथ आओ, ठीक है भाई, मैं इसको लेके जाऊंगा। एंड इसको लेके जाने के बाद मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई और बंदा इससे ना मिले। नूबड़ा जी अभी हम लोगों को थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा यार, लाइक एसजीओ को, आपके भाई को, सबको झूठ बोलना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। आपके अंदर जो अजीब सी पावर आ चुकी है ना इस वक्त, सोचो आप यार, ये जो बुक है इसका नाम है एंशियंट बुक ऑफ ओल्ड स्पेल्स, उसके पहले 15 पेज के स्पेल्स सारे के सारे आपके अंदर आ चुके भाई। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम लोगों को गाइस क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकलना। अब तो मैं डायरेक्ट एसजीओ से बात कर सकता हूँ, एक बार मैं इसको खाऊंगा, मैं डायरेक्ट एसजीओ से बात कर लूंगा। एंड जैसे मैं एसजीओ से डायरेक्ट बात करूंगा तो मुझे उसको बाहर निकालने के लिए कोऑर्डिनेट करना है। वो बहुत ज्यादा इजी है, मुझे समझा दिया है। आई मीन इजी नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो वो भी है बाहर निकलने का ऐसे, बट हम लोग बाहर निकल सकते हैं। नहीं 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 नूबड़ा जी नहीं, ऐसा मत कर भाई, तू फटफट के मर जाएगा भाई, मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा फिर। प्लीज ये वाली हरकतें मत कर तू यार अभी, है ना, ये बड़ा खतरा है यहाँ पे। आराम आराम से नीचे चल, मैं तेरे यहाँ पे नीचे पानी लगाने वाला, ब्रो आजा ले पानी लगा दे, मैंने इसके ऊपर कदम रख दिया। आजा कौन भाई,
अरे परे ना गिरे शाबाश। तो बेसिकली गाइस अभी हम लोगों को अपने दोस्तों को, इसके भाई को, उन सबको बोलना पड़ेगा कि नूबड़ा जी एक्चुअली इस थर्ड डायमेंशन के अंदर मर चुका है, क्योंकि अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो इसका भाई प्रोफेसर इसको अपने साथ रखना चाहेगा, ऑफ कोर्स छोटा भाई है उसका ये, बट मुझे ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इसको सेफ बनाने का, बिकॉज अभी ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन चुका सबके लिए। बट इतना क्यूट है कि इसको अबैंडन नहीं कर सकते भाई हम लोग किसी भी तरीके से। तो नूबड़ा जी आप टेंशन मतलब मैं आपको बचाऊंगा, बट अब एक काम करते हैं इस डायमेंशन से बाहर निकलते और आपको कहीं छुपाता हूं मैं।